जनकपुर राज्य के राजा को राज्य भोगते काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेल आई। नर्तकी ने देखा कि तबले वाला उब रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा दंड दे सकते हैं। तो उसे जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारण न कलंक लग जाए कोई। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तब गुरुजी ने सारे मोहरे उस नर्तकी को अर्पण कर दिए। दोहा सुनते ही राजा की लड़की ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया और राजा के पुत्र युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा, रात भर से नृत्य चल रहा है पर अचानक ये क्या हो गया। अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं बहुत खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, सिर्फ एक दोहे द्वारा एक सामान्य नर्तिका होकर भी तुमने सबको लूट लिया। जब ये बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु की आंखों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहा, राजा ये नर्तकी अब मेरी गुरु बन गई है क्योंकि इसने इसके दोहे से मेरी आंखें खोल दी है। इस दोहे से ये कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया। राजा मैं तो चला। ये कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। तभी राजकुमारी ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद कर लेना था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, तभी तो तेरी शादी होगी। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है। और तभी युवराज ने खड़े होकर कहा, पिताजी आप वृद्ध हो चले हैं फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने समझाया कि पगले आज नहीं तो कल, आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वो युवराज का अभी के अभी राज तिलक कर देंगे। और फिर क्या, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक करवाया और अपनी पुत्री से कहा, पुत्री दरबार में एक से एक राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा अब सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। आज से मैं अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करना, बस आज से मैं सिर्फ तुम्हारा नाम सुमिरन करूँगी। मलकापुर नाम के गांव में एक बहुत प्रसिद्ध कॉलेज था। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां से पढ़ाई करके शहरों में सफलता प्राप्त किए थे। एक पुराना ग्रुप कॉलेज छोड़ने के बहुत दिनों बाद मिला। वे सभी अच्छे करियर के साथ खूब पैसे कमा रहे थे। वे अपने सबसे फेवरेट प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके घर आए। प्रोफेसर साहब उनके काम के बारे में पूछने लगे। धीरे धीरे बात लाइफ में बढ़ते तनाव और काम के दबाव पर आ गई। इस मुद्दे पर सभी एकमत थे कि भले ही अब वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थे लेकिन अब जिंदगी में वो मजा नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। प्रोफेसर साहब बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। फिर अचानक ही वे उठे और किचन में चले गए। थोड़ी देर बाद किचन से लौटे और सबसे कहा, डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाया हूँ, लेकिन प्लीज आप सब किचन में जाकर अपने अपने लिए कप्स लेके आइए। सारे स्टूडेंट्स तेजी से रसोई घर में गए। वहाँ कई तरह के कप रखे हुए थे। सभी अपने लिए अच्छे से अच्छा कप उठाने में लग गए। किसी ने क्रिस्टल का शानदार कप उठाया तो किसी ने पोर्सेलिन का कप पसंद किया, किसी ने शीशे का कप उठाया। अब सभी के हाथों में कॉफी आ गई और प्रोफेसर साहब बोले, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कप दिखने में अच्छे और महंगे थे आप लोगों ने उन्हीं को चुना और साधारण दिखने वाले कप्स की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जहाँ एक तरफ अपने लिए सबसे अच्छी चाह रखना एक आम बात है, वही दूसरी तरफ ये हमारी जिंदगी में समस्याएं और तनाव लेकर आता है। दोस्तों ये तो पक्का है कि कप कॉफी की क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं लाता, ये तो बस एक जरिया है जिसके माध्यम से आप कॉफी पीते हैं। असल में जो आपको चाहिए था वो बस कॉफी थी, कप नहीं। पर फिर भी आप सब लोग सबसे अच्छे कप के ही पीछे भागे और अपना कप लेने के बाद दूसरों के कप निहारने लगे। अब इस बात को ध्यान से समझिए, ये जिंदगी कॉफी की तरह है। हमारी नौकरी पैसा पोजीशन ये कप की तरह है, ये बस जिंदगी जीने के साधन मात्र है, खुद जिंदगी नहीं। पर हमारे पास कौन सा कप है ये ना हमारी जिंदगी को डिफाइन करता है और ना ही उसे बदलता है। इसीलिए कॉफी की चिंता करिए, कप की नहीं। दुनिया के सबसे खुशहाल लोग वो होते हैं जिनके पास जो होता है बस वो उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर को धन्यवाद दिया और बड़ी समाधान भरी सीख लेकर वहाँ से चल पड़े।